हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष राव का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइज, प्रीव्यू में अभी आपने वीडियो देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाना चाहे तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली कैनवास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो इस कैनवास्टर एप्लीकेशन ओपन होने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस है। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में टैप कीजिएगा, 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ इमेज एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, एक इमेज सेलेक्ट कीजिएगा। देन इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ाकर उतना टाइम का कर लेना जितना टाइम का आप स्टेटस बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे 14 सेकंड तक रहने देता हूँ, आप जितना टाइम का बनाना चाहते उतना टाइम कर लीजिए। देन स्टार्टिंग में एक लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया में चले जाएगा। सो गाइस, मीडिया में जाने के बाद डाउनलोड में जाइएगा। डाउनलोड में जाने के बाद ये वाली वीडियो को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आपका 30 सेकंड तक का है, देख सकते हैं। तो आप 30 सेकंड तक का स्टेटस बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 14 सेकंड तक का बनाया, और फिर इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, नीचे स्क्रॉल करके स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। ये वाली वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कीजिएगा और इसे इनेबल कर लीजिए। करने के बाद फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंटर जो थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा ताकि थोड़ा बोल्ड दिखने लगे, और इस पॉइंटर को आप इस साइड में थोड़ा सा कर लीजिएगा कि ग्रीन वाला सिर्फ खत्म हो जाए और जो है वह रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हम रख लेते, तो अभी देखेंगे आप कुछ इस तरह से आया और यहाँ से फिर नेक्स्ट वाला आया, फिर इस तरह से ये आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह पर देख सकते, हल्का सा ग्रीन दिख रहा है। जब ये स्लाइड होकर दूसरा वाला जब आता है तो मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे बढ़ा देंगे इस साइड में, और थोड़ा सा इसे कम करेंगे इधर को, तो देख सकते हैं ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे फिट हो गया। ये ग्रीन वाला अब पूरी तरह से खत्म होगा, ब्लैक वाला आ रहा है। बस इतना ही हमें चाहिए था, स्टार्टिंग में आ जाएगा। देन लेयर के ऑप्शन में क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। सो गाइस, मीडियम जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेना। जो भी फोटो पर एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं ये वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस फोटो के ड्यूरेशन को भी आप पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा। करने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह से फोटो को सिलेक्ट कीजिएगा और इसे जूम करके एडजस्ट कर लीजिएगा शेप के अकॉर्डिंग। फिर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, सेंड टू बैक कर दीजिएगा, भी इसे एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पे इसे इतना पे रख लेता हूँ, और फिर इधर थोड़ा सा नीचे करके एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ से स्क्रॉल करना है, और जब ये वाला खत्म होगा ब्लैक वाला जहाँ पे आ जाएगा पूरी तरह से स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, वहाँ पे ट्रिमर पे क्लिक करना है, इसे स्प्लिट कर लेना है। देन फिर से नेक्स्ट वाला आपका स्टार्ट होगा, तो इस तरह से कुछ दिखेगा। फिर आगे की तरफ जाइए तो यहाँ पे एक जगह पे ब्लैक दिखना स्टार्ट होगा, ब्लैक पूरा तरह से ये ब्लैक हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से। तो यहाँ पे स्प्लिट कर लेना है। इसी तरह से आपको जितना भी होगा अलग अलग पार्ट में यहाँ पर आपको कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा थोड़ा सा यहाँ पर, तो स्प्लिट कर लेते। फिर आगे की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से ये रहा यहाँ पर, देख सकते इतना पे, तो इसी तरह से आपको पूरा कट कर देना होगा। तो मैं इतना पे ही वीडियो आपका कंप्लीट करता हूं, तो इस तरह से रख लेते हैं और यहां से मैं एक्स्ट्रा जो है कट कर देता हूं। तो अभी के लिए आप देखेंगे कुछ इस तरह से आ रहा है। अब आपको गाइस क्या करना है, यहां पे जो पिक्चर लिए इसे सेलेक्ट करना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट इमेज से इसे रिप्लेस कर देना है। जो भी फोटो आप लगाना चाहते हो फोटो लगा लीजिएगा। तो इस तरह से रिप्लेस करेंगे, बस एडजस्ट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। देन फिर से सेम प्रोसेस, आपको फोटो को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो ये वाली फोटो को मैंने नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, और फोटो ये दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। फोटो एकदम शेप के बीच में रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, रिप्लेस में जाएंगे। देन यहाँ से दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको लेना हो उसे आप ले लीजिएगा। बस इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है अच्छी तरह से ताकि आपका फोटो दिखे। अभी इसे प्ले करके आप देखेंगे तो अभी के लिए कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्टेबल लग रहा है। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। एक और चीज़ अगर आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ से आप आइएगा, जब ये बीच में सेंटर में आ जाता है तो इतना पे सेंटर में आ गया। इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको गाइस क्या कर लेना होगा, इसे ये की जो है इस पर क्लिक करना होगा, एक की लगाना होगा। की लगाने के बाद स्टार्टिंग में आकर यहाँ पे एक की ऑटोमेटिक ही लग गया, तो इसे भी इस साइड में खींच लीजिएगा। तो आप प्ले करेंगे तो देखेंगे दोनों साथ में आ रहा है इस तरह से, यहाँ पर ये दोनों साथ में आएगा इस तरह से। तो सभी पे आपको कर देना होगा इस तरह से, सब बराबर में रख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखते इस तरह से आया, फिर यहाँ तक ये रहेगा, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक आपको रहने देना होगा। तो यहाँ से फिर ये जाना है स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे की लगाएंगे और फिर लास्ट तक आएंगे इस साइड में, और प्लस करके इसे भी हल्का सा इस साइड में खींच देंगे। तभी प्ले कीजिए, कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला आएगा तो इसे भी आपको ऐसे ही करना होगा, जब ये सेंटर में आ जाए तो यहाँ पर की लगा लेना होगा इस तरह से, और फिर फर्स्ट वाले पर जब ये जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर की लगा कर और इसे इस साइड तक स्लाइड करना होगा ऐसे। तो ये दोनों साथ में आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा चला गया था, यहाँ से इतना पे रख लेते हैं। फिर आगे की तरफ आएंगे तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वाले पे जाइएगा और जहाँ से ये जाना है स्टार्ट होता है वहाँ पे एक की लगेगा, और फिर लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक की लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे और फिर इसके साथ में इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहीं पे रहेगा, इसे बराबर में रख लेंगे, तब ये कुछ इस तरह से यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरा कर लीजिए, जितना भी फोटो होगा आपका कर लीजिए। करने के बाद स्टार्टिंग में आइएगा, लेयर के ऑप्शन में क्लिक कीजिए, मीडिया में जाइएगा, देन मीडिया में जाने के बाद डाउनलोड में जाना है, ये वाला पार्टिकल वीडियो आपको सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, जहाँ से आपका ये वाला स्टार्ट हो जा रहा है इतना पे यहाँ से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन कर लेना है, देन कुछ इस तरह से आएगा। अभी आप बैक आ जाइए, बैक आने के नीचे तो फिर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसे स्क्रीन कर लीजिएगा, देन यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद प्ले करके देख लीजिएगा कि इसमें कोई साउंड तो नहीं है, तो भाई जी यहाँ पे देखते हैं इसमें एक साउंड लगा हुआ है, तो मिक्सर पर क्लिक करके साउंड को म्यूट कर दीजिएगा, जैसे मैंने कर दिया। प्लीज़ इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, परफेक्ट, काफ़ी अच्छी तरह से एडिट है, कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे जो हम की लगाए गए, जब चाहे तो की को लगा सकते हैं, आप अगर चाहे कि की नहीं लगना चाहिए तो की को हटा भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जैसे यहाँ पे इस की को हटा दिए, फिर नेक्स्ट वाले पे गए, यहाँ से इस की को हटा दिए, फिर इधर की लगा हुआ इसे भी हटा देंगे, फिर इधर की लगा हुआ इसे भी हटा देंगे, बस इसे एडजस्ट करना होगा कहाँ पे, सेंटर में इस तरह से रख लीजिएगा। जैसा कि मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें कोई की नहीं दिया था, तो इसे मैं भी यहाँ से भी हटा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे हटाया, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ से इसे भी हटा देंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे इसे भी हटा देंगे, ये दोनों के बीच में आएंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर अभी की लगा हुआ है, इसमें की पूरी तरह से नहीं हटा, तो मैं जल्दी जल्दी से की को हटाता हूँ। जैसे यहाँ से इसे भी हटा दिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे और इसे भी हटा देंगे, देन यहाँ से बैक आएंगे, फोटो को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आने के बाद इसे एडजस्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे देख लीजिए। तो नेक्स्ट में हम इसमें की नहीं लगाए हुए, बस दो में लगाए थे जो कि मैंने हटा दिया, यहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये कम्प्लीट हो गया, इसे थोड़ा सा इस तरह से जूम आउट करते हैं, मतलब जूम करते हैं, ताकि ये ब्लैक वाला पार्ट जो है यहाँ से जो एक्स्ट्रा रहे तो इसे हम बराबर कर सकें। तो अब ये सही से पार्टिकल आएगा, जैसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से हमारी एडिटिंग फिनिश हो चुकी है। अब यहाँ पे एक लाइडिक्स की जरूरत है, तो स्टार्टिंग में आइएगा, ऑडियो पर क्लिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करके फोल्डर में जाइएगा, जो भी सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते हो सॉन्ग को ले लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो मैं तब तक के लिए इस वाले सॉन्ग को यहाँ पे लगा लेता हूँ, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, वीडियो हमारी बन चुकी है तो इस वीडियो को सेव करेंगे। सेव करने के लिए इस साइड पे क्लिक कीजिए, क्लिक करना होता है यहाँ पे सेव एज वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, उसको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर लीजिएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।